हाय एवरीवन, आई होप सभी लोग बढ़िया से हैं और अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं इस वीडियो के बाद, मे बी वो लोग भी स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, मोटिवेट हो जाएं थोड़ा बहुत। तो वीडियो को ज़रा एंड तक देख लेना आप लोग। हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिगनर्स डीएसए कोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक बिगनर फ्रेंडली डीएसए कोर्स, ओके? तो सबसे पहले तो मैं यार प्रॉब्लम्स उठा लेता हूँ। नंबर वन प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारा ऑन गोइंग डीएसए कोर्स है, ठीक है, जो हमारा रिकर्जन से स्टार्ट हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया कोर्स जा रहा है। लेक्चर्स की काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमेंट सेक्शन में तारीफ सुनने को मिल रही है। इम्प्रूव करते रहेंगे धीरे धीरे करके और अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बात आती है होमवर्क की। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भैया होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दो। तो यार मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों का ना 10 से 15 वीडियोस के बाद, जब मैं कुछ टॉपिक्स कवर करवा दूंगा, एक सर्टन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, आप लोगों का मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? आप लोगों का होगा एक एग्जाम। अब उस एग्जाम में बीइंग माय स्टूडेंट, आई वांट कि आप लोग 100% परफॉर्म करो, ठीक है? ऑल दो टाइमिंग सबके अलग अलग होंगे, कोई बंदे 15 मिनट में सॉल्व करके बैठ जाएंगे, कोई होंगे जो 20 मिनट में सॉल्व करेंगे, तो उसके हिसाब से ही लीडर्स बोर्ड पर रैंकिंग होगी। लेकिन आई वॉन्ट कि यार अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं देन 100% परफॉर्मेंस होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है? तो एग्जाम्स होंगे आप लोगों के, एंड कोई फी वगैरह नहीं है। जैसे हमारा कोर्स फ्री है वैसे हमारे एग्जाम्स भी फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। आप लोगों के होंगे टेस्ट, मैं आप लोगों को अपडेट्स भी दे दूंगा कि कब टेस्ट होने वाला है, ठीक है, किन किन टॉपिक्स का टेस्ट होने वाला है, आप लोगों को वो रिवाइज करके टेस्ट देना है। अब इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी बहुत ही अच्छी वाली, एक तो इंटरव्यूज में परफॉर्म करने की, और एक जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, कोडिंग टेस्ट जो आता है उसमें परफॉर्म करने की। दोनों की हैबिट बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो यार ये मैंने सोचा हुआ है, होमवर्क क्वेश्चन की जगह हम लोग टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है? बाकी टॉपिक्स सारे मैं कवर करवा रहा हूँ, वैरायटी सारी मैं कवर करवा रहा हूँ, आप लोगों को कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली डीएसए में कौन ही बुक फॉलो करता है, एंड कोई भी आपको अदर रिसोर्स वगैरह सच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? डीएसए आपका हैंडल हो जाएगा। नाउ बिगनर्स डीएसए के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रिकर्जन से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता था रिकर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है भी। डीपी कवर हो जाएगा इससे, रिकर्जन के बाद डीपी करने वाले हैं, डीपी कवर होगा, ट्री कवर होगा, ग्राफ के क्वेश्चंस कवर होंगे, ये सारे के सारे बड़े बड़े वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये कवर हो जाएंगे हमारे। अब बचता क्या है, एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट ऑलरेडी करवा दिया है अपने मेन चैनल पे, यानी कि इसी चैनल पे करवा दिया है लिंक लिस्ट कंप्लीट, देन स्टैक बचता है, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ना ये बचते हैं, स्लाइडिंग विंडो एंड ऑल। तो ये वाले टॉपिक्स की मैं बात कर रहा था, बिगनर्स फ्रेंडली कोर्स। अब यार इस कोर्स में मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी थी, मेरे को कमेंट करके बताना सभी लोग, जितने भी लोग चाहते हैं कि बिगनर्स कोर्स आए। पहली चीज़ कि यार आप कहाँ से चाहते हैं कि स्टार्ट हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट हो ये, या फिर ये स्टार्ट हो डेटा स्ट्रक्चर्स से। ये दो ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? आई वॉन्ट टू नो कितने लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा। एक बार स्टार्ट कर दिया फिर मेरे को पता है कि मेरे को डेली डेली वीडियोज डालनी है, रेगुलरली वीडियो डालनी है, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू नो इट राइट नाउ, और जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यार ये वाला जो कोर्स है, रिकर्जन वाला जो कोर्स है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा एंड तक। इसमें कोई भी हम लोग ब्रेक्स नहीं लेंगे, ब्रेक्स मतलब जब ही लिए जाएंगे जब आप लोग को डाउट सेशंस लेने होंगे, लाइव क्लासेस लूंगा या फिर हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे, ठीक है? उसी दिन ब्रेक होगा बस, अदर देन दैट कंटिन्यूसली चलेगा ये। इसके पैरेलली ही जो न्यू वाला कोर्स है वो भी आ जाएगा, ठीक है? उसकी मैं प्रॉपर प्लानिंग कर लूँगा, कर रहा हूँ साथ ही साथ, बस मेरे को फीडबैक चाहिए और मेरे को ये पता करना है कि यार आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो उस कोर्स से, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि यार लोग ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बोल रहे थे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं सभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, C++, जावा, पाइथन तीनों के ही कोड हैं। कुछ लोग जावास्क्रिप्ट की भी बात कर रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैसे जावास्क्रिप्ट के भी कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। बड़ी तीन लैंग्वेज के तो कोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से आप लोग को पीछे नहीं हटना है, वरना आपको प्रॉपरली ना ऐसे कहीं नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ाए और बिल्कुल अच्छे से भी पढ़ा दे और आपकी मनपसंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसमें कोड करके दिखा दे। देखो लेक्चर्स में मैं एक ही लैंग्वेज पे कोड कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज उसमें टाइम लगता है, सारी लैंग्वेज पे कोड नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है? कोई भी नहीं कर पाएगा। मान लो कि एक बंदा अगर आपको करके बता भी रहा है कोड, मान लो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई लेक्चर्स की, या फिर उसने पूरा कवर नहीं करवाया, तो फिर उसका भी कोर्स छोड़ दोगे, फिर कहीं और जाओगे। डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छे से आपको एल्गोरिथम समझ में आ रहा है, अच्छे से आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, दैट इज इनफ। कोड मिल रहा है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और क्या चाहिए? बस इतनी ही आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे ना तो बस आप एक कोर्स से दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, ये करते करते टाइम सारा वेस्ट कर दोगे, ठीक है? सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बी कंसिस्टेंट, जैसे अभी तक आप लोग कोर्स पे कंसिस्टेंट हैं वैसे ही कंसिस्टेंटली जा करके फॉलो कर लेना, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको नहीं पता हमारे नए वाले कोर्स की, जा करके चेकआउट कर लेना। अब डीएसए की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है?
साथ ही साथ एक मैंने सब्जेक्ट्स की शीट भी अपलोड कर दी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शीट, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी आपको करने चाहिए इंटरव्यूज के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो जाके कर लेना, इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है, वही कर लो आप लोग जाकर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। बाकी ओएस डीबीएमएस लेकर के आते हैं आपके लिए, ठीक है, वो भी तैयार हो रही हैं आप लोग के लिए, जल्दी ही लेकर के आते हैं, उसमें भी सारा कुछ कवर होगा, तो सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, डीएसए भी कवर हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स की बात रहती है तो प्रोजेक्ट के लिए ना यहाँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे मिनी प्रोजेक्ट्स, तो वो मिनी प्रोजेक्ट्स आप लोग रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही हाईफाई प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही न्यू आइडियाज के प्रोजेक्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से सीखनी है और मास्टर करनी है, तो आप लोग क्रैड और डू के प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पर, मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर आपको काम करा करके स्किल सिखाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले वीडियोस दिखा दी देन उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, कहीं पर अटक रहे हो, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल जैसा हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उसी तरीके से आप लोग से काम कराया जाता है, बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन प्रोग्राम है मेनली, एक तो फेलोशिप प्रोग्राम जो कि आपका प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा लंबा होता है रिलेटिवली, शायद 6 महीने का होता है, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक में आप लोगों को HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, जितना भी सब रिक्वायर्ड है सब सिखाया जाता है, देन बैक एंड में आप लोगों को स्प्रिंग बूट एज अ फ्रेमवर्क सिखाया जाता है, और जावा रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, तो जावा भी सिखाई जाती है, तो अच्छे से कवर हो जाता है डेवलपमेंट, जिसको भी स्क्रैच से सीखनी है डेफिनेटली यू कैन चेक आउट crad.do, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग यार करते रहो मेहनत, कंटिन्यूअसली करते रहो विदाउट टेकिंग ब्रेक्स, ये 2 महीने में ब्रेक्स नहीं लेने हैं, उसके बाद जब एक बार प्लेसमेंट लग जाएगी ना अच्छे से रिलैक्स होकर के ब्रेक ले लेंगे लंबा वाला, अभी फिलहाल फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन द ऑनगोइंग DSA सीरीज। बाकी यार जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में ये जरूर बता देना कि जो बिगनर्स DSA कोर्स है वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है फिर भी मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो नहीं आती हुई और मैंने स्किप कर दी तब भी दिक्कत है, सो इन दैट केस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कहाँ से आप लोग चाहते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको भी, साथ ही साथ अपना ऑनगोइंग कोर्स चल ही रहा है तो बिल्कुल ही अच्छे वाली तैयारी हो जाएगी सभी लोगों की, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, डू वेल, डू वेल का मतलब मेरा ये नहीं है कि एग्जाम्स में डू वेल, वो तो दूर है, डू वेल इन द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।